हेलो दोस्तों मैं जयकांत सैनी स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल भात आई क्यू में हम डिस्कस करें राजस्थान पत्रिका न्यूज़ पेपर जयपुर एडिशन 27 और 28 जून तो वीडियो के संबंध में यदि कोई कैरियर डाउट्स हो तो आप मुझे लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में या मुझे टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं तो शुरू करते हैं आज का डिस्कशन बिना किसी देरी के सत्ताईस जून की न्यूज़ है संडे की इस दिन न्यूज़ आर्टिकल कम होते हैं कुछ तो इसीलिए एक ही न्यूज़ आर्टिकल इंपॉर्टेंट लगा मुझे यहाँ पर मैंने इसको कवर किया है तो तेरह लाख बायोफ्यूल पौधे लगाने की बात की जा रही है यहाँ पर आपको पता है राजस्थान के अंदर बायोफ्यूल पॉलिसी भी लाई गई है तो कहीं ना कहीं भारत सरकार का जो इम्पोर्ट बिल है उसको कम करने का जो प्रयास किया जा रहा है उसमें बायोफ्यूल इम्पोर्टेंट भूमिका अपनी अदा कर सकता है तो यहाँ पर बात की जा रही है बारह जिले हैं चुनिंदा ज़िले हैं जहाँ पर कि ये इस प्रकार से पौधे लगाए जाएंगे बायोफ्यूल के जिनसे कि बायोफ्यूल बनाया जाता है उस प्रकार के पौधे यहाँ पे लगाए जाएंगे इन 12 जिलों में तो मुझे कुछ एक दो एग्जांपल दीजिए आप कि बायोफ्यूल के कौन से पौधे हैं जिनसे कि बायोफ्यूल प्राप्त किया जाता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जल्दी से बताइए मुझे ये बात की जा रही है जम्मू कश्मीर की आज की न्यूज है ये पेज नंबर वन पे तो ये खतरनाक संकेत की यहाँ पे बात की जा रही है जम्मू कश्मीर में वायुसेना के ठिकाने पर आतंकियों ने निशाना बनाया है अब इसमें इन्होंने इस्तेमाल किया है ड्रोन का तो ड्रोन को लेकर के भारत में कोई स्पष्ट रूल्स रेगुलेशन नहीं है ये आपको पता होना चाहिए इसके अलावा यहाँ पे एम आई सत्रह को निशाना बनाया इन्होंने यहाँ पे एम आई सत्रह के जहाज़ खड़े हुए थे यानी कि हैंगर था पूरा का पूरा ग्रुप में जहाँ पे खड़े होते हैं कई सारे जहाज तो उसको टारगेट किया था इनके द्वारा और इसमें आईईडी का इस्तेमाल किया था इसका फुल फॉर्म पता होना चाहिए इम्प्रोवाइज एक्सप्लोसिव डिवाइस तो ये होता है आई ई का इस्तेमाल करके यहाँ पर इनको तबाह करने का मतलब इनके द्वारा प्रयास किया गया जो भी ये आतंकी थे लेकिन ये विफल रहा यहाँ पे कुछ लोगों की आ, लोगों को कुछ चोटें आई हैं लेकिन किसी की अभी मृत्यु होने की यहाँ पे कोई अभी रिपोर्टिंग नहीं हुई है तो ये बात बताई गई है ये काम ऐसे समय पर किया गया है जबकि जम्मू एंड काश्मीर में लोकतांत्रिक व्यवस्था बहाल करने के प्रयास चल रहे हैं तो उसको कही ना कहीं, कहीं, कहीं ना कहीं ये हैम्पर करने का कहीं ना कहीं ना कहीं उसको आघात पहुंचाने का ये काम किया जा रहा है इस प्रकार की चीज़ें करके अंद्रष्ट फैलाने का काम किया जा रहा है जम्मू एंड कश्मीर के अंदर तो इसको लेकर के कहीं ना कहीं इंटेलिज इंटेलिजेंस को सतर्क रहने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है जम्मू एंड कश्मीर के अंदर राजस्थान में भी कई प्रकार के ऐसे देखे गए हैं ड्रोन्स का जो सस्पीशियस ड्रोन्स का कई बार देखे गए हैं राजस्थान के अंदर तो ये चीज़ें देखने को मिलती हैं तो इस पर भी बात चल रही है कि इसको कैसे टैकल किया जाए क्या रेगुलेशन लेके आए जाएँ ड्रोन्स को लेकर के जो विदेशी देशों से ड्रोन्स आते हैं कई बार मतलब इनको रिपोर्ट किया जाता है तो इस प्रकार की चीज़ें हैं यहाँ बात की जा रही है आसमानी तूफान और बात की जा रही है रफाल की रफ़ाल आपको पता है भारत ने खरीदे हैं फ्रांस से बहुत ही अच्छे ये मतलब कि लड़ाकू विमान है रफ़ाल जो है तो यहाँ बताया कि सत्रह हज़ार घंटे किलोमीटर की दूरी इन्होंने अभी पूरी की है यहाँ पे देख सकते हैं ये है पेरिस यानी कि फ्रांस तो यहाँ से गए कैलिफोर्निया ये हो गया आपका उत्तरी अमेरिका वाला एरिया और यहाँ से प्रशांत महासागर में ताहिती जो एरिया है यहाँ तक इन्होंने अपनी फ्लाइट लिए सत्रह हज़ार किलोमीटर बिना रुके बारह घंटे में ये उड़ान ये जो इन्होंने दूरी ये डिस्टेंस इन्होंने कवर किया है तो कितने मतलब ज़बरदस्त ये हमारे पास फाइटर प्लेन भारत के द्वारा खरीदे गए हैं तो उसके बारे में बताया गया है यहाँ पे कि इससे पहले किसी भी राफाल ने बिना रुके इतनी लंबी उड़ान नहीं भरी यह विमान फ्रांस से भारत की सड़सठ सौ किलोमीटर की दूरी बिना रुके तय कर चुके हैं ये पहले काम कर चुके हैं इसके अलावा फ्रांसीसी वायुसेना के एयर टू एयर रिफ्यूलिंग ऑपरेटर मेजर पियरिक ने बताया कि फ्रांस अब यूरोप का एकमात्र देश है जो अपने ठिकानों से सत्रह हजार किलोमीटर की दूरी तक ऐसी उड़ान भरने में सक्षम है यानी कि ये सक्षम है यहाँ तक टारगेट कर सकता है ये एक रफाल विमान से इधर फिर ये एशिया की तरफ भी जा सकता है इसी प्रकार से तो ये इसकी इतनी अच्छी कैपेसिटी हो गई है रफाल के द्वारा राफाल को बनाने वाली कंपनी का नाम जरूर याद रखिएगा ये पूछा जा सकता है तो यह दसॉल्ट एविएशन इसके द्वारा ये विमान बनाए गए हैं भारत ने अभी हाल ही में कई सारे विमान खरीदे हैं तो ये कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज है इसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए कोविशील्ड वालों को यूरोपीय संघ से नहीं मिलेगा ग्रीन पास ये बात की गई है सबसे पहली बात ग्रीन पास क्या है तो आपको पता है ट्रैवलिंग करने के लिए आपको पता है ट्रैवल पूरा का पूरा दुनिया के अंदर बंद पड़ा हुआ है तो यूरोपीय संघ के द्वारा ये ग्रीन पास जारी किया जा रहा है कि आप उन यूरोपियन कंट्रीज में बिना किसी बैरियर के आप इजीली ट्रैवल कर सकते हैं घूम सकते हैं वहाँ पे तो उसकी बात की जा रही है ग्रीन पास की यहाँ पे हुआ क्या है अभी जिन लोगों को कोविशील्ड वैक्सीन लगी है उनको ये पास नहीं दिया जाएगा इसके अलावा पहले ही एक न्यूज आ चुकी थी कि कोवैक्सीन को, को लेकर की भी चर्चाएं थी कि डब्ल्यू एच ने उसे मान्यता नहीं दी थी कोवैक्सीन को तो हालांकि उसे अभी आपातकालीन एक मतलब मंजूरी मिल गई है कोवैक्सीन को डब्ल्यू को, की तरफ से लेकिन अब ये नई न्यूज निकल के आ रही है कि अब कोविशील्ड वालों को भी यूरोपियन यूनियन से ग्रीन पास नहीं मिलेगा यह बताया जा रहा है कि एक जुलाई से उपलब्ध होगा ये ग्रीन पास यूरोपीय संघ के कई देशों ने डिजिटल वैक्सीन पासपोर्ट जारी करना भी स्टार्ट कर दिया गया है जिससे कि ये पता रहेगा कि ये जो पासपोर्ट होल्डर है उसके द्वारा वैक्सीन लगवाई गई है या नहीं लगवाई गई है और कौन सी वैक्सीन लगवाई गई है तो अभी कोविशील्ड को लेकर के संशय बना हुआ है देखते हैं अब आने वाले समय में क्या बातचीत चलती है भारत सरकार और ये जो यूरोपियन संघ है इनके बीच कोविशील्ड वैक्सीन को लेकर के तो ये आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा फिलहाल ये न्यूज है इसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए किस प्रकार से कोविशील्ड को यहां पर अलाउ नहीं किया गया है ग्रीन पास के लिए उपलब्धि हासिल है दीपिका कुमारी नाम जरूर याद रखिएगा फेमस नाम है और इनका संबंध है तीरंदाजी से ये इंपॉर्टेंट गेम आपसे पूछा जा सकता है तो भारतीय महिला तीरंदाज दीपिका कुमारी ने तीरंदाजी विश्व कप के तीसरे चरण में गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रच दिया है नाम इंपॉर्टेंट है दीपिका कुमारी गोल्ड मेडल जीता है तीरंदाजी में यानी कि और करी में तो तीरंदाजी का संबंध है दिव्या कुमारी से जिन्होंने कि अभी गोल्ड मेडल जीता है यहाँ पे ये एक न्यूज है यहां पे टाइगर्स की बात की जा रही है तो बात यह की जा रही है कॉर्बेट और राजा जी नेशनल पार्क पूरे साल खोलने खोले रखने की घोषणा पर एक बहस छिड़ गई है यानी कि आपको पता होगा कि जो नेशनल पार्क्स हैं उनके लिए बताया जाता है कि जैसे राजस्थान में हम बात करें तो जुलाई अगस्त और सेप्टेंबर ये तीन महीने बारिश का समय होता है रास्ते थोड़े ख़राब हो जाते हैं और ऐसा माना जाता है कि कहीं ना कहीं साल भर के अंदर हम इतना ज़्यादा टूरिज़्म करेंगे तो ये कहीं ना कहीं इनके एक बिहेवियर में बदलाव देखने को मिल सकता है जंगल में कहीं ना कहीं उसके लिए ये चीज़ें अच्छी नहीं है जंगल के फेवर में नहीं है तो कहीं ना कहीं एक ब्रेक जैसी चीज़ होनी चाहिए ब्रेक जरूरी है वहाँ पर तो तीन महीने का एक टाइम होता है जिसके दौरान कि नेशनल पार्क में कोई टूरिज्म एक्टिविटी नहीं होती है पार्क को जो उसके ऑफिशियल्स होते हैं नेशनल पार्कस के उनका काम होता है मॉनिटरिंग करने का उस समय जंगल में कि कहीं कोई गलत गतिविधि तो नहीं हो रही है पोचिंग का काम तो नहीं हो रहा है कहीं किसी एरिया में तो इस प्रकार से व्यवस्थाएं की जाती हैं लेकिन अभी हाल ही में उत्तराखंड में स्थित हैं कॉर्बेट और राजा जी नेशनल पार्क यहाँ पर इनको पूरे वर्ष भर खोलने की घोषणा की गई है तो इसको लेकर के ये न्यूज़ है चर्चा में है इसकी बात की जा रही है इस पर कुछ तर्क और वितर्क किए जा रहे हैं कि किस प्रकार से अच्छा है किस प्रकार से अच्छा नहीं है तो ये एक एडिटोरियल यहाँ पर डिस्कस किया गया है तो इसके संबंध में हम देख लेते हैं सबसे हम पहले बात कर लें तो बात की जा रही है भारत में प्रोजेक्ट टाइगर तो पता होना चाहिए प्रोजेक्ट टाइगर उन्नीस में स्टार्ट किया गया था और यही कहता है क्या कि भारत में ऑपरेशन एक मानसून है जो ऑपरेशन मानसून की बात करता है कि ये होना चाहिए इस ऑपरेशन मानसून के तहत क्या किया जाता है कि जब नेशनल पार्क बंद रहता है तो वहाँ के ऑफिशियल्स मॉनिटरिंग करते हैं बहुत अच्छी तरीके से नेशनल पार्क के जंगल की कहीं कोई गलत एक्टिविटी तो वहाँ पे नहीं हो रही है तो ये ऑपरेशन मानसून का संबंध है जो कि प्रोजेक्ट टाइगर के तहत ही इसको मॉनिटर किया जाता है तो प्रोजेक्ट टाइगर आप याद रखिएगा उन्नीस में स्टार्ट किया गया था पहले इसके डायरेक्टर थे कैलाश शांखला जी इनको टाइगर मैन के नाम से भी जाना जाता है राजस्थान से इनका संबंध है कैलाश शांखला जी का याद रखिएगा इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है ये इसके अलावा बात की जा रही है राजा जी नेशनल पार्क और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क ये पता होना चाहिए आपको उत्तराखंड के अंदर स्थित है दोनों के नेशन दोनों ही नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत का पहला नेशनल पार्क है और इसका जो नाम है एक और नाम है इसका वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए और इस नेशनल पार्क को कब स्थापित किया गया था ये भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए बात की जा रही है काजीरंगा नेशनल पार्क ये असम के अंदर स्थित है ये भी आपको पता होना चाहिए वन हॉर्न राइनो की जो बात की जाती है वो काजीरंगा में ही पाया जाता है दो और नेशनल पार्क हैं नागरहोल और बांदीपुर नेशनल पार्क भी हैं और टाइगर रिजर्व भी हैं इनका संबंध कर्नाटक राज्य से ये भी आपको पता होना चाहिए फेमस है ये सारी की सारी जगह जो हैं तो इनके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए भारत में कुल 50 टाइगर रिजर्व है ये भी आपको आइडिया होना चाहिए टाइगर रिजर्व को डिक्लेयर करने का काम करता है एन यानी कि नेशनल टाइगर कॉन्जर्वेशन अथॉरिटी ये दो में स्टैब्लिश की गई थी और टाइगर की जो सेंसस होती है हर चार वर्ष बाद होती है इसको जो कंडक्ट कराती है वो भी नेशनल टाइगर कॉन्जर्वेशन अथॉरिटी इसको कंडक्ट कराती है पहले इस अथॉरिटी के जो हेड होते थे यानी चेयरमैन वो होते थे पीएम साहब लेकिन अभी एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट मिनिस्टर जो होते हैं वो इसके चेयरमैन होते हैं एन के ये इंपॉर्टेंट चीज़ है इसके अलावा होता है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट उन्नीस में आया था और उसी के बाद एक वर्ष बाद जस्ट प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट कर दिया गया था इंदिरा गांधी जी के समय में इस एक्ट में संशोधन होता है 2006 में और 2006 में ही एन की स्थापना कर दी जाती है यानी कि नेशनल टाइगर कॉन्जर्वेशन अथॉरिटी जब निकल के आता है तभी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट उन्नीस में संशोधन किया जाता है दो में उसी वक्त ये कॉन्जर्वेशन अथॉरिटी बनाई जाती है टाइगर को लेकर के नेशनल एनिवल है टाइगर भारत का तो इसीलिए इतना ज्यादा फोकस रहता है काफी ज्यादा संख्या कम होती जा रही है भारत के अंदर तो इसीलिए इस पर इतना ज्यादा ध्यान दिया जाता है तो ये सब चर्चाएं यहाँ पे की गई हैं टाइगर को लेकर के प्रोजेक्ट टाइगर को लेकर ही किस प्रकार से ये जो टाइगर ये जो नेशनल पार्क है पूरे वर्ष भर खोलना कितना सही हो सकता है और कितना गलत हो सकता है ये सभी चर्चाएं की गई हैं यहाँ बात की जा रही है आधी आबादी विवाह करने पर ही ना दे जोर शादी से पहले लड़कियों को भी बनाए आत्मनिर्भर इम्पोर्टेंट बात की गई है इनके द्वारा यहाँ पर ये क्या बात बोल रहे हैं कि आप सेल्फ डिपेंडेंट बनाइए केवल पुरुष ही नहीं महिलाओं को भी कहीं ना कहीं उनको एक जो डोमेस्टिक वायलेंस है वो बड़ा ही आ, मतलब ज्यादा देखा जा रहा है भारत के अंदर इसको लेकर एक्ट भी बना एक्ट भी बनाया गया सरकार के द्वारा डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 है आपको पता होना चाहिए लेकिन वास्तविकता ये है कि जब तक आप सेल्फ डिपेंडेंट नहीं होंगी यानी कि स्पेशली महिलाओं की बात की जा रही है तब तक इस प्रकार का शोषण देखने को मिलेगा महिलाओं की यदि हम बात करें तो इतना भेदभाव है कि महिलाओं का जो इनपुट होता है वो भी इकोनॉमी में उसको कोई वैल्यू नहीं है उसकी मतलब कहीं कोई मेजरमेंट नहीं है कि महिलाओं के द्वारा कितना कंट्रीब्यूशन दिया जा रहा है और सब यदि यदि हम कंपेयर करते हैं महिला और पुरुष का तो जो जो कंट्रीब्यूशन होता है वो सबसे ज़्यादा पुरुषों का ही उसमें होता है तो कहीं ना कहीं इस बात पर जोर देने का काम किया जा रहा है कि कैसे महिलाएं है, जो हैं वो आत्मनिर्भर बने उसको स्किल सिखाने की बात इस एडिटोरियल के अंदर की जा रही है कि उनको कैसे अच्छे से अच्छे स्किल सिखाई जा सकें ताकि वो अपना ध्यान रख सकें और अपना एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट कर सकें केवल ये जो सोशल हमारे टेबूज हैं पुराने कि नई महिलाओं को पाँचवीं तक ही पढ़ाना है आठवीं तक ही पढ़ाना है क्योंकि उनका काम ही केवल घर में जा के चूल्हा चौका करना है रोटी बनाना है इस मानसिक साथ इस मानसिकता से हमें बाहर आना पड़ेगा तभी ये जो हम जेंडर इक्वलिटी की बात करते हैं जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है हमारे सत्रह वहाँ पे एक इक्वलिटी एक है जेंडर इक्वलिटी का भी एक पॉइंट है वहाँ पे तो इसको साकार करने के लिए हमें इस प्रकार के काम करने होंगे कि महिलाओं को भी हमको आगे बढ़ाना होगा ऐसा बोला जाता है कि, कि किसी परिवार में यदि एक महिला पढ़ी लिखी हो ना तो उस परिवार की काया पलेट कर देती है पुरुष भले ही उसमें दो तीन कितने भी पढ़े लिखे हो लेकिन यदि महिला है वो यानी कि उसकी माँ यदि पढ़ी लिखी है तो आप समझ सकते हैं पूरी फैमिली एजुकेट करती है वो माँ क्योंकि वो एक धुरी होती है एक्सेस होती है एक फैमिली का जो वहाँ पे फीमेल होती है माँ होती है क्योंकि वो उसका मतलब एक उनका कॉन्सेप्ट ही अलग होता है जो फीमेल होती है और जो माँ होती है स्पेशली तो यदि वो पढ़ी लिखी होगी तो पूरा उनका जो फैमिली है वो पूरा समाज को चेंज लेकर के आएंगे फिर तो इस प्रकार की बात यहाँ पर की जा रही है कि लड़कियों को भी आत्मनिर्भर बनाया जाए ये एक नया नियम निकल के आ रहा है एक जुलाई से तो यहाँ बात की जा रही है एस की तो एस बी और ब्रांच से कैश निकालना अभी महंगा हो जाएगा पहले चार जो चार ट्रांजेक्शन है अभी उनके बाद यदि आप ट्रांजेक्शन करते हैं बैंक से ए, ए बैंक के ए से तो यहाँ पे आपको कुछ चार्ज देने होंगे बताया जा रहा है कि चार जो विड्रॉल है चार जो ट्रांजेक्शन है उनके बाद आपको पर ट्रांजेक्शन पर पंद्रह रुपये प्लस जी चार्ज लगेगा आपके अकाउंट से डिलेक्ट कर लिया जाएगा इसके अलावा यहां पे बात की गई है कि यहां पे चेक बुक पर भी लगाया जाएगा पहले जो दस चेक हैं उनके ऊपर कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा आपसे लेकिन अगले जो दस हैं उन पर चालीस रुपए प्लस जीएसटी लिया जाएगा अगले पच्चीस चेक पर पचहत्तर प्लस जीएसटी वसूल किया जाएगा और आपातकालीन चेक बुक जो है उस पर पचास प्लस जीएसटी भी वसूल किया जाएगा तो इस प्रकार के नए नियम लेकर के आ रहा है अभी बी जो कि एक जुलाई से लागू हो जाएंगे तो इनके बारे में भी आपको आइडिया होना चाहिए आपको पता लगे कि आपके अकाउंट से डिडक्ट हो गए और फिर परेशान होते हैं कि कैसे हो गए कहाँ हो गया डिडक्ट तो इस प्रकार की जो भी न्यूज़ हैं तो इनसे आपको अवेयर होना ज़रूरी है तो मुझे आशा है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा यदि वीडियो अच्छा लगा है तो जरा से लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें ताकि और भी लोग वीडियो का फ़ायदा उठा सकें आप मुझे अपने सुझाव कमेंट्स में भेज सकते हैं या मुझे ई भी कर सकते हैं इसी के साथ धन्यवाद मिलते हैं अगली वीडियो में